Good morning. This is Dr. R.S. Maurya in program How to Translate. दोस्तों हम आज आपको बताएंगे कि किस तरह से हम adverb clause of purpose यानी उद्देश्य और adverb clause of result यानी परिणाम को अनुवाद कैसे करते हैं हिंदी से अंग्रेजी में और अंग्रेजी से हिंदी में. तो दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हु लिटिल नो हिंदी एंड वॉन्ट टू नो हाउ टू स्पीक हिंदी. तो फॉर देम दिस प्रोग्राम हाउ टू ट्रांसलेट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. तो आप इंजॉय कीजिए किस तरह से ये हम इसका ट्रांसलेशन करा रहे हैं. तो जैसे एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस में हम देखते हैं उद्देश्य. उद्देश्य जैसे कोई काम करें तो उसका वो किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है. जैसे दिस इज ट्रेन फॉर वाराणसी. तो फॉर जो है यहाँ उद्देश्य बतलाता है. दिस इज ट्रेन फॉर वाराणसी मतलब ये ट्रेन बनारस जाएगी उद्देश्य बताता है. तो उद्देश्य यह क्लियर हो गया. लेकिन एडवर्ब में तो सेंटेंस बड़ा होता है तो इसलिए हम उसको दूसरे तरह से देखेंगे. फिर भी देखें जैसे वह पुस्तक पढ़ता है ताकि वह ज्ञान अर्जन कर सके. वह पुस्तक पढ़ता है ताकि वह ज्ञान हासिल कर सके. तो पुस्तक पढ़ने का उद्देश्य पता चलता है पर्पस. तो इसका ट्रांसलेशन होगा He reads book that he may acquire a knowledge. He reads book so that he may acquire a knowledge. So that का प्रयोग यहाँ पर कीजिए. He reads book so that he may acquire knowledge. वह किताब पढ़ता है ताकि वो ज्ञान की प्राप्ति कर सके. उसने कड़ी मेहनत की ताकि धनी बन सके. तो ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट ग्रो रिच. ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट ग्रो रिच. हंसो. हाँ अब तीसरा सेंटेंस है इम्परेटिव में. हंसो. हंसो मतलब होता है लाफ. हंसो ताकि तनाव से तुझे मुक्ति मिल सके. हंसो ताकि तनाव से आपको मुक्ति मिल सके. तो लाफ सो दैट यू मे गेट रिड ऑफ टेंशन. लाफ सो दैट यू मे गेट रिड ऑफ टेंशन. हाँ नेक्स्ट. उसने कड़ी मेहनत की ताकि वह अपने को फिट रह सके. फिट रह सके. फिट का मतलब होता है तंदुरुस्त रह सके. तो ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट कीप फिट. ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट कीप फिट. और नेक्स्ट है ध्यान लगा के पढ़ो ताकि तुम सफल हो. तो उद्देश्य क्या होना है? सफल होना है. इसलिए रीड अटेंटिवली सो दैट यू मे सक्सीड. Read attentively so that you may succeed. तो दोस्तों ये ताकि जिससे कि इसका अर्थ निकलता है. So that मतलब ताकि या जिससे कि. ध्यान लगा के पढ़ो ताकि तुम सफल हो. Read attentively so that you may succeed. अच्छा अब देखते हैं कि लिस्ट से वाक्य जो बनाते हैं. लिस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा न हो. कहीं ऐसा न हो. यह करो नहीं तो ऐसा हो जाएगा. तो इसलिए इसे ट्रांसलेशन लिस्ट से देखते हैं. LEST लिस्ट से. जैसे सावधानी से चलो ऐसा न हो कि गिर पड़ो. सावधानी से चलो ऐसा न हो कि गिर पड़ो. तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल. Walk carefully, lest you should fall. तो लिस्ट लेस्ट का मतलब निगेटिव होता है. कहीं तुम गिर ना पड़ो.
तो इसका निगेटिव सेंस होता है, इसको ध्यान रखिए, वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल। तो इसमें निगेटिव नहीं, जहाँ पर लेस्ट लगाते हैं वहाँ पर निगेटिव नहीं लगाते, लेस्ट यू शुड नॉट फॉल, ये गलत हो जाएगा। तो वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, और लगन से पढ़ो ऐसा ना हो कि तुम सब कुछ भूल जाओ। लगन से पढ़ो, स्टडी एसिडियसली लेस्ट यू शुड फॉरगेट एवरीथिंग, स्टडी एसिडियसली लेस्ट यू शुड फॉरगेट एवरीथिंग। वह सावधानी पूर्वक काम करता है कहीं उससे गलती ना हो जाए। वह सावधानी पूर्वक काम करता है तो उसका क्या होगा, ही वर्क्स केयरफुली लेस्ट ही शुड एरर, कहीं उससे गलती ना हो जाए, कहीं वो गलती ना करे ऐसे, तो लेस्ट ही शुड एरर। वर्षा हो ताकि फूल न मुरझाए, वर्षा हो तो ये इम्परेटिव सेंटेंस है, लेट देयर बी रेन लेस्ट प्लांट्स शुड फेड, अभी लेस्ट प्लांट्स शुड फेड FADE, सो लेट देयर बी रेन। तो हमने देखा कि लेट से भी कैसे हम बनाते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे एक तरह का सेंटेंस जिसमें एडवर्ब क्लास में एक एडवर्ब क्लास का कंसेशन देखते हैं, कंसेशन इसमें कि मानो कि हम देखते हैं, जिसमें कि मानो कि एज इफ एज दो का प्रयोग होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए, वह मुझसे इस तरह से प्यार करता है मानो कि मैं उसका बेटा हूँ, वह मुझसे इस तरह प्यार करता है मानो कि मैं उसका बेटा हूँ। तो इसकी अंग्रेजी होगी ही लव्स मी एज इफ का मतलब होता है मानो कि, ही लव्स मी एज इफ आई वेयर हिज सन, ही लव्स मी एज इफ आई वेयर हिज सन। तो इस तरह से, तो वे इस प्रकार से चलते हैं मानो कि ये पिए हुए हैं, पिए हुए मतलब शराब पिए हुए हैं। तो दे वॉक्ड एज इफ दे वेयर ड्रंक, एज इफ दे वेयर ड्रंक, जैसे कि वो पिए हुए हैं। वह गरीबों को इस तरह से देखता है मानो कि वे कीड़े मकोड़े हों, वह गरीबों को इस तरह से देखता है कि मानो वे कीड़े मकोड़े हों। तो ही लुक्स अपॉन द पुअर एज दो दे वेयर वर्मिन, एज दो दे वेयर वर्मिन। तो वे लोग बच्चे को इस तरह से पीट रहे हैं जैसे वो जानवर हों। तो इसका अनुवाद करें, दे आर बीटिंग चिल्ड्रेन, बच्चे को पीट रहे हैं, कैसे पीट रहे हैं, इफ दे वेयर एनिमल्स, मानो कि वो जानवर, मानो कि वो जानवर, इफ दे वेयर एनिमल्स। तुम मुझे इस तरह से डांटते हो जैसे मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, तुम मुझे इस तरह से डांटते हो जैसे मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। यू स्कोल्ड मी एज इफ आई वेयर योर स्लेव्स, यू स्कोल्ड मी एज इफ आई वेयर योर स्लेव, स्लेव मतलब होता है गुलाम। वह इस तरह से लिखता है जैसे वह नौसिखिया हो, नौसिखिया क्या होता है, नौसिखिया का मतलब होता है बिगिनर या नॉविस को बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉविस। वह ऐसा ही करेगा। अच्छा ठीक, तो ही राइट्स एज इफ ही वेयर नॉविस, नॉविस मतलब होता नौसिखिया। तो अब ये तो एक तरह का स्ट्रक्चर हुआ,
दूसरे तरह का स्ट्रक्चर में आपको बताते हैं जैसा वैसा, जैसे जैसे वह वैसा ही करेगी जैसा आप उसे कहेंगे, तो जैसा वैसा, जैसे शी विल डू एज यू टेल हर, शी विल डू एज यू टेल हर, एज मतलब होता है जैसा, एज यू टेल हर, वैसा करो जैसा मैं पसंद करता हूँ, वैसा करो जैसा मैं पसंद करता हूँ, डू एज आई लाइक, डू एज आई लाइक, वैसा करो जैसा मैं पसंद करता हूँ, डू एज आई लाइक। उन लोगों ने वैसा ही लिखा जैसा आपने उनसे कहा, उन लोगों ने वैसा ही लिखा जैसा आपने उनसे कहा, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, दे डिड, दे डिड एज यू टोल्ड देम टू राइट, ऐसे भी, या दे रोट एज यू टोल्ड देम, ऐसे भी हो सकता। ऐसा लगता है उसने सांप देखा है, तो इट सीम्स दैट से आप बनाइए, इट सीम्स दैट ही हैड सीन ए स्नेक, इट सीम्स दैट ही हैड सीन ए स्नेक, तो इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता था। अब हम दूसरे तरह के सेंटेंस पर ध्यान देंगे, जैसे जैसे अब जो ऐसा लगता है और ऐसा प्रतीत होता है, इस तरह के सेंटेंसेस जो है, ऐसा लगता है, ऐसा देखने से लगता है, इस तरह के सेंटेंसेस बहुत यूज़फुल होते हैं। आप इस तरह के सेंटेंस को देखिए, जैसे ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि इस लड़कों को ऐसा लगता है कि इस लड़की का खून कर देगा, ऐसा लगता है कि वह इस लड़की का खून कर देगा, ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कई होता है, इट सीम्स होता है, इट अपीयर्स भी होता है, तो आप किसी तरह से बनाइए, इट सीम्स इफ ही वुड मर्डर द गर्ल, इट सीम्स इफ ही वुड मर्डर द गर्ल, या एज इफ ही वुड मर्डर द गर्ल, तो ऐसा लगता है कि वह इस लड़की का खून कर देगा, तो ऐसा लगता है, इट अपीयर्स या इट सीम्स इफ यू वुड मर्डर द गर्ल, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा। अभी इसको एज जैसा वैसा का आप एज से बनाइए, एज यू डू सो यू विल गेट, जैसा करो, एज यू डू सो विल यू गेट, एज यू डू सो विल यू गेट, तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हें मिलेगा, जैसा तुम बोओगे वैसा ही काटोगे, तो ये तो प्रोवर्ब है, एज यू सो सो विल यू रीप, एज यू सो एस ओ डब्ल्यू, एज यू सो सो विल यू रीप, जैसा वह पढ़ेगा वैसा ही वह सीखेगा, जैसा ही जैसा वह पढ़ेगा वैसा ही सीखेगा, एज ही स्टडीज सो विल ही लर्न, एज ही स्टडीज सो विल ही लर्न, जैसा वे सोचेंगे वैसा ही बनेंगे, जैसा वे सोचे वैसा ही बने, पास्ट टेंस में बनाइए, एज दे थॉट सो डिड दे बिकम, एज दे थॉट सो डिड दे बिकम, जैसा उसने गरीबों का खून चूसा वैसा उसको भोगना पड़ा, एज ही सक्ड द ब्लड ऑफ द पुअर सो डिड ही सफर, सो डिड ही सफर, वैसे ही उसको भोगना पड़ा, तो सफर। तो अब हम देखते हैं एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, परिणाम, परिणाम कोई काम करते हैं तो परिणाम क्या होता है, तो कैसा परिणाम, जैसे वो इतना फुर्तीला है कि वृक्ष पर
चढ़ सकता है। तो फुर्तीला की वजह से परिणाम यह निकलता है कि वो वृक्ष पर चढ़ सकता है। तो इसको ही इज एक्टिव इनफ टू क्लाइम अ ट्री, दो तरीके से बना सकते हैं इसको। ये तो ही इज एक्टिव इनफ टू क्लाइम अ ट्री, या ऐसे इसको बना सकते हैं ही इज सो एक्टिव दैट ही कैन क्लाइम अ ट्री, ही इज सो एक्टिव दैट ही कैन क्लाइम अ ट्री। और फिर इसके बाद वो इतनी सुंदर है कि किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है, वो इतनी सुंदर है। तो क्या बन उसी तरह से बनाइए, इनफ से बनाइए, शी इज ब्यूटीफुल इनफ, शी इज ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट एनी बॉडी, शी इज ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट एनी बॉडी, शी इज ब्यूटीफुल इनफ टू अट्रैक्ट एनी बॉडी, या शी इज सो ब्यूटीफुल दैट शी कैन अट्रैक्ट एनी बॉडी या एवरी वन, या कुछ भी आप कह सकते हैं, एनी बॉडी, एवरी वन, यू ऑल। और इसका नकारात्मक भी बनता है, जैसे ही इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाई, या ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई नथिंग, दैट ही कैन बाई नथिंग, या ही कैन नॉट बाई एनीथिंग। तो इस तरह से कैसे ही इज सो पुअर दैट ही कैन बाई नथिंग, ही कैन बाई नथिंग का मतलब वो कुछ नहीं खरीद सकता। तो उसको ऐसे भी कर सकते हो, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट, ही इज टू पुअर टू बाई एनीथिंग, ही टी डबल ओ से ही बना सकते हो, ही इज टू पुअर। हाँ, वह इतना कमज़ोर थी कि वो तो हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं करती, शी वॉज सो वीक एट स्टडीज दैट शी कुड नॉट पास हाई स्कूल एग्जाम। और जैसे हमने बताया टू टी टी डबल ओ का जब प्रयोग करते हैं, जैसे ही इज टू ऑनेस्ट, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार था, ही इज टू ऑनेस्ट टू एक्सेप्ट ए ब्राइब, तो ही वॉज सो ऑनेस्ट दैट ही कुड नॉट एक्सेप्ट ब्राइब। वो इतना ईमानदार था कि वो घूस नहीं ले सकता था। और दिस प्लेस इज टू सफोकेटिंग टू लीव, दिस इज द प्लेस इज वेरी सफोकेटिंग, दिस प्लेस इज टू सफोकेटिंग का मतलब दिस प्लेस इज सो सफोकेटिंग दैट वी कैन नॉट लीव, यह जगह इतना सफोकेटिंग है, सफोकेटिंग मतलब सांस फूलता है, सांस फूलने को सफोकेटिंग कहते हैं, कि यहाँ रहा नहीं जा सकता, दम घुटना। तो इस तरह से हम बना सकते हैं। ये स्पेशली सबके लिए अच्छा है, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि ऐसे अनुवाद करना चाहिए, तो ये अपने बहुत तरीके मैंने इजाज किए हैं ये ट्रांसलेशन के। तो अभी आप इस तरीके का आप देखिए, क्योंकि ये एडवांस क्लासेस है, और स्पेशली मैं नॉर्थ ईस्ट में पढ़ाया, तो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स के सामने ये प्रॉब्लम होता था कि वह बच्चे अच्छी हिंदी नहीं बोल पाते थे, तो स्पेशली इट इज़ डिजाइन फॉर देम ऑल्सो, एंड इट इज़ वाइस वर्सा, हिंदी वाले हिंदी से अंग्रेजी करेंगे, अंग्रेजी वाले हिंदी से अंग्रेजी से हिंदी में जाएंगे, ऐसे वाइस वर्सा करेंगे। तो ये इट इज़ गोइंग टू बी क्वाइट यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स। अब देखते हैं दैट का प्रयोग की वजह से भी होता है, जब हम दैट का प्रयोग, दैट का मतलब बहुत कुछ होता है इस ग्रामर के, उसमें हम बताएंगे कि दैट का मतलब यही नहीं होता, कंजंक्शन है ये, यहाँ पर दैट का मतलब होता है कि की वजह से, जैसे मुझे दुख है कि वह असफल हो गई, आई एम सैड दैट सी फेल्ड, मुझे दुख है, आई एम सैड दैट सी फेल्ड,
वो फेल हो गई, हमें दुख है। मुझे खुशी है कि मेरी बहन ने उसकी मदद की। आई एम ग्लैड दैट माई सिस्टर हैज़ हेल्प हिम। मैं मुझे खुशी है कि मेरी सिस्टर ने उसकी मदद की। मैं अप्रसन्न हूँ, आई एम अनहैप्पी। मैं अप्रसन्न हूँ कि मैं प्रतियोगिता में भाग न ले सका। तो I'm unhappy that I could not take part in competition. अब चूंकी से देखिए, चूंकी कहते हैं, चूंकि वर्षा हो रही है इसलिए, चूंकि इसलिए, तो इस तरह का भी सेंटेंस आप लोग बनाते हैं, होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है, कि चूंकि ये हुआ तो ये नहीं कर सके, ये हुआ तो ये नहीं कर, चूंकि वर्षा हो रही थी वह बाहर नहीं निकल सकती, तो सिंस इट इज़ रेनिंग शी कैन नॉट स्टीर अब्रॉड। स्टीर अब्रॉड मतलब गोइंग आउटसाइड। आप अच्छी वोकैबुलरी यूज़ कीजिए। इन एडवांस क्लासेस वी विल लर्न हाउ टू यूज़ ए गुड वोकैबुलरी, नॉट दैट दिस वाला, ये वाला नहीं। If you are with me, so I will take you to wonderful walks, vocabularies. So, ये आप देख सकते हो कि since it is raining, she cannot stay abroad. ये अच्छा आप simply कर सकते हैं, she cannot go out. लेकिन stay abroad मतलब होता कि going out. Yes. चूँकि आज मैं आज बेकार हूँ इसलिए मैं चिड़ियाघर जाऊँगा। तो आज मैं बेकार, बेकार का क्या मतलब हुआ कि यहाँ बेकार का मतलब इसलिए कि बेकार मतलब यूजलेस नहीं, कि आज हमारे पास कोई काम नहीं है इस सेंस में। तो सिंस आई एम आइडल टुडे, आइडल मतलब होता है जब आपको कोई काम नहीं हो तो आइडल होता है। सिंस आई एम आइडल टुडे आई शैल विजिट टू जू मतलब होता चिड़ियाघर। अब इस तरह से हम कई चीज़ से बना सकते हैं, आयस से बना सकते हैं, सिंस से बना सकते हैं, नाउ से बना सकते हैं, दैट से बना सकते हैं, कंसीडरिंग दैट से बना सकते हैं, और सीइंग दैट से बना सकते हैं। ये कौन सा परिणाम वाला है, तो ये सारे कंजंक्शन लगा सकते हैं। जैसे देखिए हम सबसे बना के बताएंगे आपको, जैसे कि चूँकि वह गरीब है वो कलम नहीं खरीद सकता, तो एज़ ही इज़ पुअर ही कैन नॉट बाई ए पेन। तो अब इससे चूँकि वह गरीब है, सिंस ही इज़ पुअर ही कैन नॉट बाई ए पेन, नाउ ही इज़ पुअर ही कैन नॉट बाई ए पेन, दैट ही इज़ पुअर ही कैन नॉट बाई ए पेन, कंसिडरिंग दैट ही इज़ पुअर ही कैन नॉट बाई ए पेन, सीइंग दैट ही इज़ पुअर ही कैन नॉट बाई ए पेन। तो ऐसे करके फिर ऐसे जैसे वी आर बोल्ड ऐसे बनाइए, जैसा कि वो बहादुर है और वो कुछ भी कर सकता, जैसा कि वो बहादुर है वो कुछ भी कर सकता, तो उसकी कई ढंग से बनाइए। जैसे एज वी आर बोल्ड वी कैन डू एनीथिंग, एज वी आर बोल्ड वी कैन डू एनीथिंग, जैसा कि हम लोग बहादुर हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। सिंस से बना सकते हो, सिंस वी आर बोल्ड वी कैन डू एनीथिंग, नाउ से भी बनाओ, नाउ वी आर बोल्ड वी कैन डू एनीथिंग, दैट से बनाओ, दैट वी आर बोल्ड वी कैन डू एनीथिंग, कंसीडरिंग दैट इसे बना सकते हो, कंसीडरिंग दैट वी आर बोल्ड वी कैन डू एनीथिंग, और सीइंग दैट वी आर बोल्ड वी कैन डू एनीथिंग। सो दिस इज प्रोग्राम that I intend to take you to the world of English and Hindi both. आप अंग्रेजी भी सीखें और हिंदी भी सीखें, और इसी का मतलब मेरा अनुवाद है How to Translate. इसको दोस्तों इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।